इसको यहाँ क्यों लगवाया है बिटिया? कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है बिटिया, खेलो। क्या हुआ महाराज? उस पुण्यात्मा बच्ची के ऊपर काल की दृष्टि गहरी हो गई है, उसके प्राण संकट में हैं। हमें जाप करना होगा इसी क्षण। मुझे तो लगता है कि काली ना अपनी सगी बेटी पवित्रा को बचाना चाहेगी। तू तो सौतेली है ना, उसकी सौतन ने तुझे पैदा किया है। हे भगवान, ओ मैडम अंधी हो क्या? हेलो हेलो मंसीबा, आप हॉस्पिटल से निकले या नहीं? यहाँ मौसम बहुत खराब हो रहा है, आप कहिए तो हम युग को भेज देते हैं आपको पिक करने के लिए। हम ठीक है, हम आ जाएंगे। नैना कैसी है? नाराज है अभी भी। आप आ जाइएगा ना, फिर आप ही कुछ बताइएगा। हम आ रहे। मंजी बाप, वो नकाबपोश कैसा है? बहुत मदद की है उसने हमारी, हमने राम जी से उसकी सलामती की प्रार्थना भी की है। ठीक है ना? वो ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा। बाय। कैसे बताएं तुम्हें करी, जिसके लिए तुमने भगवान राम से प्रार्थना की वो शैतान का पुजारी है।
वाह क्या बात है, ये हमारी पूरी हो, जल्दी आओ रे, गरम 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 जलेबी है। धक्का मार दे इसे, मार दे धक्का, ये थोड़ी तेरी बहन है, मार दे धक्का। बड़ी लाडली बनती है अपने माँ बाप की, मार दे धक्का, धक्का मार दे इसे, मार दे धक्का। चलो ना दीदी। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, just shut up। पवित्रा, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, इन दोनों का नाश्ता ऊपर कमरे में ले जाओ। ये तो हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन है, कहीं देवरी को होश तो नहीं आ गया। हेलो जी डॉक्टर जी, कुछ डिस्कस करना था, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जी हम आते हैं। कहाँ मंजिमा? वो डॉक्टर साहब ने हमें हॉस्पिटल बुलाया। ठीक है, माँ हूँ आपके साथ? नहीं नंदू, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, कली को बता देना बस। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाना, क्योंकि आज भैया की बरसी है ना, और अम्मा भी पूजा रखवाए हैं घर पे। हाँ ठीक है। ये पूजा में हमारे साथ बैठो ना दुल्हनिया। नंदू आप जानते हैं हम नहीं बैठेंगे, एक पत्नी होने के नाते हम आपका साथ दे रहे हैं, उस इंसान का हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है। वो भाई थे हमरे, कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तो कर ही सकते हैं ना। नंदू हम भी चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, पर उसके लिए हम इस पूजा में नहीं बैठ सकते। आप ऐसा करिए, वो थाली ले जाकर के छत पर रख दीजिए, कौओं के लिए। जी पंडित जी। और हमें आगे दीजिए, हम चलें।